सभी बच्चों को ग्रीटिंग नमस्कार। तो हम मैथ्स का जो ट्रिग्नोमेट्री हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उसका हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स है वो हमने कर लिया है, उसके जो क्वेश्चन बचते हैं वो एक हम टाइप पढ़ेंगे जिसमें हम वैल्यू पुटिंग मेथड जानेंगे, उसमें जो भी बचता है वो हम कवरअप करा देंगे साथ के साथ। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस आइडेंटिटी। आपको तीन आइडेंटिटी बताई गई थी, उनमें से हम आज एक को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइंस स्क्वेयर थीटा इजिकल टू वन होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस्ड जितनी टाइप होंगी, चार पांच टाइप जितने भी हैं, वो हम सारे कवरअप करेंगे वन बाई वन, ठीक है। तो आइए से संबंधित जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या गिवन है। क्वेश्चन ये गिवन है कि इफ़ कोस थीटा प्लस साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा वन के बराबर है, अगर ये वैल्यू वन के बराबर है तो इस एक्सप्रेशन का हमें मान निकालना है। क्वेश्चन एक बार फिर से आप आराम से समझ लीजिए कि भाई अगर ये चीज़ इसके बराबर है तो हमें इसका मान निकालना है। तो आप आराम से समझिए, ऊपर हमारे सामने गिवन क्या है, बिल्कुल आराम से आपको समझना है। हमारे पास जो गिवन है वो है कोस थीटा। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर ये प्लस है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा वन माइनस कोस स्क्वेयर थीटा, और वन माइनस कोस स्क्वेयर थीटा किसके बराबर होता है, तो आपने आंसर बताया सर साइन स्क्वेयर थीटा के। क्योंकि जब भी आप यहाँ से कोस थीटा वहाँ लेकर जाओगे तो वन माइनस कोस स्क्वेयर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वेयर थीटा के। पहली क्लास में बताया था आप लोगों को। यहाँ से हमें एक रिलेशन पता चला, वो क्या रिलेशन पता चला कि कोस थीटा बराबर होता है साइन स्क्वेयर थीटा के। इसका मतलब ये है कि साइन की पावर दो, साइन की पावर दो कोस की एक पावर के बराबर है। जहाँ पे साइन की पावर दो होगी वहाँ कोस की पावर एक होगी, और जहाँ पे कोस की पावर दो होगी वहाँ पे साइन की पावर कितनी हो जाएगी, चार। अगर मैं आपसे पूछूं जहाँ पे कोस की पावर तीन होगी वहाँ पे साइन की पावर कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा कितनी हो जाएगी, छः। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये अगर पावर तीन है तो इसका दोगुना छः, पावर एक का दोगुना दो का दोगुना चार, और एक का दोगुना कितना होगा, दो होगा। बात आप समझ पाए, यहाँ से हमें ये बात पता चली। अब देखो ये क्वेश्चन हमें निकालना है, तो आप मुझे एक बात बताओ, अभी हमने क्या सीखा, अगर ये साइन की पावर आठ है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस की पावर चार। अगर ये साइन की पावर छः है तो छः का आधा क्या लिख सकता हूँ भाई, आधा ही तो करना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दो कोस की पावर तीन। भाई छः को मैं क्या लिख सकता हूँ, तीन प्लस, यहाँ पे पावर चार है, अगर पावर चार है तो मैं पावर चार को क्या लिख सकता हूँ, तो पावर दो लिख सकता हूँ कोस की। तो भाई मैंने ना इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब देखो आराम से, आप मुझे बताओ क्या ये ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं हो गया। आपने पूछा कि भाई ए प्लस बी का फॉर्मूला कैसे हो गया, देखो भाई मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ कोस की पावर दो का की पावर दो प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ दो गुणा कोस थीटा या कोस स्क्वेयर थीटा इंटू कोस थीटा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको तो मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वेयर थीटा। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता कि भाई ये ए का स्क्वेयर है प्लस ये है टू और ये ए है और ये बी है और ये प्लस में क्या हो जाएगा बी का स्क्वेयर। तो यहाँ से जो ए स्क्वेयर है या जो ए का मान, ए ए का जो मान, देखो ये ए है पूरा, तो ए का मान क्या है कोस स्क्वेयर थीटा, क्योंकि ये स्क्वेयर तो स्क्वेयर है, तो ए का मान क्या है कोस स्क्वेयर थीटा। मैंने आपसे पूछा कि भाई ए का मान कोस स्क्वेयर थीटा, बी का मान कोस थीटा, और बी का मान कोस थीटा, तो इसका स्क्वेयर करेंगे तो इसका भी स्क्वेयर हो जाएगा, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। ए क्या है आपने बताया भाई, ए है कोस स्क्वेयर थीटा प्लस बी क्या है भाई, बी तो अभी सीखा हमने, ये क्या कोस थीटा। तो आप मुझे एक बात बताओ कि भाई इस एक्सप्रेशन को हमने ऐसे लिख दिया ए प्लस बी की फॉर्म, और इस पूरे का क्या होगा होल स्क्वेयर। जब हम इसका होल स्क्वेयर खोलेंगे तब यही तो आएगा कि भाई इसका स्क्वेयर प्लस इसका स्क्वेयर प्लस टू ए बी। तो आप मुझे बताओ कोस स्क्वेयर थीटा प्लस कोस थीटा ये किसके बराबर दे रखा, देखो यहाँ देखो सवाल में, कोस थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा बराबर किसके, वन के। इसका मतलब ये सारा एक्सप्रेशन वन आ गया, और वन का हम स्क्वेयर करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, वन आ जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर है वो कितना आ गया, वन। उम्मीद है कि सभी बच्चे समझ पाए होंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे आप देखिए, अगला जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, और उम्मीद है कि आप बना लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। नहीं भी बना पाएंगे तो मैं थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ से हमने क्या देखा,
यहाँ से देखा कि भाई जो साइन थीटा है अगर ये प्लस है तो यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, और यहाँ जाके अगर ये माइनस का हो जाएगा, देखो ये तो हमने कर लिया ना ऊपर वाला। तो देखो साइन थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, तो वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वेयर थीटा के। यानी कि कोस की पावर दो साइन की पावर एक, यानी पावर क्या हो रही है, आधी हो रही है। तो देखो पावर 12 है, अगर पावर 12 है तो 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6। अगर पावर 10 है तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5। सॉरी भाई साइन में चेंज करना पड़ेगा ना, साइन में चेंज करना पड़ेगा तभी तो पावर हम हाफ कर पाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे आ जाएगा भाई पावर आधी करेंगे तो आ जाएगा 6 थीटा प्लस 3, 10 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, 5 प्लस 3, 8 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 4 प्लस 6 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा, 3 और माइनस का 1। अब देखो ध्यान से समझना है, आप लोगों ने a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ रखा, तो आपने कहा सर बिल्कुल पढ़ रखा। a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3 ए स्क्वेयर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वेयर। अब देखो ध्यान से समझना है, ये क्या है, तो आपने कहा a की क्यूब, क्योंकि a इसमें क्या है, a इसमें है भाई साइन स्क्वेयर, और इसकी मैं क्यूब कर दूंगा तो ये 2 गुणा 3 आंसर कितना आ जाएगा, 6। भाई आपने कहा ये क्या है, तो ये है हमारा 3 ए स्क्वेयर बी, भाई ए स्क्वेयर बी है 3 ए इसका स्क्वेयर, और इसके साथ b मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 टोटल कितना हो गया, 5 प्लस 3 ए बी का स्क्वेयर। a कितना है, तो आपने कहा साइन स्क्वेयर थीटा, b कितना है, b साइन थीटा, इसका स्क्वेयर करेंगे क्या जाएगा, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस, यहाँ पे साइन लिखो। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा ये b की क्यूब, अगर ये b की क्यूब आएगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इस पूरे की क्या जाएगी, क्यूब, ठीक है, और माइनस का वन है ही। तो आप मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक क्या ये क्यूब नहीं बन गया, क्या ये a प्लस बी के बराबर नहीं है, तो आप मुझे बताओ a क्या है, तो आपने कहा साइन स्क्वेयर थीटा, b क्या है, तो आपने कहा साइन थीटा, और इस पूरे की क्या करनी है, क्यूब, और क्वेश्चन में माइनस वन भी, तो माइनस वन। देखो ये पूरा क्या है, अभी तो देखा था ये पूरा क्या भाई, ये स्क्वेयर यहाँ पे हम लेके जाएंगे तो ये पूरा ये था कि भाई साइन थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा किसके बराबर है, वन के बराबर है। इसका मतलब ये सारा एक्सप्रेशन वन, वन की क्यूब वन, और वन में से वन माइनस करेंगे तो आंसर कितना जाएगा, 0। मतलब मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ यहाँ से, मैं आपको यही बात सिखाना चाहता हूँ कि भाई देखो जब भी हमें ऐसा मान दिखाई दे तो इतना सो 0 ही हो जाना है, चाहे वो क्यूब बनाएगा चाहे वो स्क्वेयर बनाएगा, तो इतना तो वो 0 ही हो जाना है। अगर वो इतना सॉरी 1 हो जाना है, यहाँ से यहाँ तक जो गिवन होगा मान 1 ही होगा, और ये 1 ही हो जाना है, तो ये अगर मैं बिना सोचे 1 मान लूँ और 1 से 1 घटा दूँ तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आपने कहा 0 आ जाएगा, समझ पा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, आप देखिए अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको समझना होगा। देखो क्या चीज़ गिवन है, ये बहुत बार पेपर में आ चुका भाई, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की क्यूब थीटा वन के बराबर है, तो कोस की पावर 6 माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 8 कोस स्क्वायर थीटा ही किसके बराबर होगा, ठीक है। तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को समझना, देखो इस एक्सप्रेशन में यदि मैं ये प्लस है तो वहाँ लेके जाऊँगा तो माइनस हो जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक एक बात समझनी है, ये साइन थीटा इसको यहीं रहने दिया प्लस साइन की क्यूब थीटा बराबर हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, ये मैं यहाँ से यहाँ लेकर गया हूँ। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ से अगर मैं साइन कॉमन लेता हूँ, क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे कोस 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 है, अगर सारे एक्सप्रेशन में कोस 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 है तो हम पूरे की पूरी जो टर्म है उसको कोस में चेंज करेंगे, ठीक है। अब कोस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ से हमने साइन थीटा कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, वन, पावर एक बाहर गई तो पावर बची एक, वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वेयर थीटा के, समझ पा रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या किया भाई, साइन थीटा को मैंने एज इट इज रख दिया, वन, साइन स्क्वेयर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वेयर थीटा वन माइनस कोस स्क्वेयर थीटा के बराबर होता है, वन माइनस कोस स्क्वेयर थीटा के, देखो ये तो याद होना चाहिए आप लोगों को, और ये बराबर है कोस की पावर 2 थीटा, ध्यान से समझो।
आप मुझे बताओ क्या मैं एक और एक को डायरेक्टली यहाँ पे दो नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। अब देखो ध्यान से समझना है, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वेयर कर देता हूँ, यदि मैं दोनों तरफ स्क्वेयर कर देता हूँ तो भाई इसका भी स्क्वेयर होगा और इसका भी होल स्क्वेयर होगा और इसका भी स्क्वेयर होगा। जब इसका स्क्वेयर होगा तो पावर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वेयर थीटा किसके बराबर होता है? साइन स्क्वेयर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा के, याद होना चाहिए इतना। साइन स्क्वेयर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा के। इसका स्क्वेयर करोगे तो ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर माइनस 2ab, ठीक है, और ये बराबर होगा कॉस की पावर 4 थीटा के। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 2-3 बार, इसलिए बता रहा हूँ, उत्तर भी याद कर सकते हैं इसका। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा बराबर, अच्छा अब एक काम करते हैं भाई, सारे कॉस में हो गए, अब सारे कॉस में हो गए तो ध्यान से समझो, पहले तो एक को मल्टीप्लाई करो इसके साथ भी इसके साथ भी इसके साथ भी। जैसे हमने एक से मल्टीप्लाई किया तो हमने एज इट इज रख दिया, कुछ भी चेंज नहीं करना है क्योंकि एक से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं होता है। अब देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा -4 cos² थीटा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे -cos² थीटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे -± cos² थीटा और बराबर आ जाएगा cos² थीटा। अब आप ये समझेंगे क्या कि भाई cos² थीटा से cos² थीटा खत्म हो गई। अब ध्यान से समझो, ये माइनस का इस तरफ प्लस का हो जाएगा, ये भी यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप एक काम करो इन दोनों को मिला दो तो यहाँ पे क्या नज़र आया कि 4 माइनस 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8 cos² थीटा -6 cos² थीटा प्लस के 4 cos² थीटा बराबर 0। समझ पा रहे हैं? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा भाई आप देख लेना, नहीं तो उत्तर याद कर लेना। ठीक है, मेरा काम समझाने का है बस। अब देखो आराम से भाई, अगर मैं 4 को इस तरफ रखूँ और बाकी को वहाँ ले जाऊँ, बाकी को अगर मैं वहाँ ले जाऊँ तो देखो, अगर ये माइनस का तो वहाँ जाके हो गया प्लस का, ये माइनस का, ये भी प्लस का, और ये प्लस का ये किसका हो जाएगा? माइनस का। यानी ये पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर आ गया? तो आपने बोला 4 के बराबर आ गया। देखो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये किसके बराबर आ गया? तो भाई ये आ गया 4 के बराबर। इसका मतलब इसका जो उत्तर होगा वो 4 होगा। आप इस उत्तर को याद भी कर सकते हैं, इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिए तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। हमने किया क्या है, हमने एक ही बात की है कि भाई हमने ना पूरे के पूरे साइन को कोस में चेंज किया, बस किसका यूज करके? साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1, इसका प्रूफ करके हमने, इसका यूज करके हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला। ठीक है, उम्मीद है कि सारे बच्चे समझ पाए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था इसलिए बता दिया मैंने। अब आगे बढ़ते हैं, तीनों क्वेश्चन हमने बना लिए हैं और इस आइडेंटिटी पे हम क्या बना सकते हैं, इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, तो फिर से आप समझिए। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन है कि भाई 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन बीटा हो गया, अल्फा ले लेते हैं या फिर थीटा ले लेते हैं। देखो ये बराबर है सामने लिखूंगा या फिर लिख ही देता हूँ, 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन बीटा और 1 माइनस साइन थीटा। आपको ये बताना है कि ये किसके बराबर होंगे। देखो ये पूरा एक्सप्रेशन इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों किसके बराबर होंगे ये पूछा गया था। तो भाई एक बात समझो, ये दोनों के दोनों मान लीजिए किसी के तो बराबर होंगे, कोई तो संख्या होगी, कोई भी संख्या होगी, 1 होगी 2 होगी 3 होगी, कुछ तो होगा, जो वो होगा मैंने क्या मान लिया, के मान लिया, मान सकते हैं कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, के मान लिया। ठीक है, अब ध्यान से समझो, आप मुझे बताओ ये पूरा किसके बराबर है, आपने बोला के बराबर है, ये पूरा किसके बराबर है, आपने बोला के बराबर है। अगर दोनों ही के बराबर है तो मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ से हटा दिया और ये बराबर किसके था, के। ठीक है, फिर भाई दूसरा जो एक्सप्रेशन था वो 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन बीटा, बहुत आराम से समझना है, इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो भाई ये इक्वेशन नंबर हो गई 1, ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, इक्वेशन 1 को 2 के साथ, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ, इसको मतलब इस पूरी इक्वेशन को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक बात समझो, आप मुझे एक बात बताओ छोटी सी, क्या कि भाई a माइनस बी
इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है? आपने बोला ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के, होता है ना भाई ऐसा? ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये क्या है ए प्लस बी और ये क्या है ए माइनस बी, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी करेंगे तो ये एक का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर हो जाएगा, ये भी इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, और बराबर के की k के साथ गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, k का स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। अब आप एक बात समझेंगे यहाँ से, क्या समझेंगे भाई, देखो कि 1 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा किसके बराबर होता, तो सभी बच्चे जानते हैं कोस स्क्वेयर अल्फा के, ये किसके बराबर हो जाएगा कोस स्क्वेयर बीटा के, और ये किसके बराबर हो जाएगा कोस स्क्वेयर थीटा के, बराबर आ जाएगा k का स्क्वेयर, ठीक है, बात आप समझ पा रहे हैं। तो आपने देखा यहाँ k का स्क्वेयर है, यहाँ पे अंडर रूट करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं k का स्क्वेयर हटा के यहाँ पे अगर मैं अंडर रूट करता हूँ तो आप एक बार समझो, यहाँ भी स्क्वेयर है, यहाँ भी स्क्वेयर है, यहाँ भी स्क्वेयर है, तो इस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वेयर, और ये पूरे का क्या है स्क्वेयर है। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ये अगर स्क्वेयर है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, अंडर द रूट हो जाएगा, ठीक है। एक बात समझना ध्यान से भाई, देखो लास्ट क्लास में मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्वेश्चन बनाने को दिया था ना, तो आपने एक आध बच्चे ने आंसर दिया, लेकिन आपको आना चाहिए वो बात, क्या बात थी, देखो मैं आपके सामने दो क्वेश्चन लिखता हूँ, मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा कि x बराबर है अंडर रूट चार, बहुत आराम से समझनी है बात, और मैं कहता हूँ कि एक्स स्क्वेयर बराबर है हमारा चार के, ठीक, दो बात है। मैं आपसे कहता हूँ कि भाई x का मान बताओ, तो आप डायरेक्टली बोल देंगे सर x का जो मान है वो केवल दो है और वो केवल किसका होगा प्लस का होगा। मैं आपसे कहता हूँ x का मान बताओ, तो आपने कहा सर x का मान माइनस दो भी हो सकता है और प्लस दो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आप ये पूछेंगे सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, इसके दो मूल होंगे, दो रूट होंगे, ये एक लीनियर इक्वेशन है भाई, रैखिक समीकरण है, इसका एक रूट होगा। दोबारा से समझो, आप मुझे बताओ x का मान यहाँ एक ही रख सकते हो, वो प्लस का दो, भाई प्लस का दो ही तो रख सकते हो आप, क्योंकि रूट के अंदर हम चार है तो बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव ही तो वैल्यू देगा। लेकिन बात आप समझिए, मैं x की जगह दो रख सकता हूँ, दो वैल्यू यानी एक तो माइनस दो, इसका स्क्वेयर करूंगा तो भी प्लस का चार आएगा, और मैं प्लस का दो रखूंगा ना तो भी स्क्वेयर करूंगा तो भी प्लस का चार आएगा। तो बात आपको याद रखनी है, अगर ये वैल्यू यहाँ रूट में है और ये पावर केवल एक है तो वैल्यू एक आएगी पॉजिटिव, रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि रियल नंबर लेने कॉम्प्लेक्स नहीं लेने। दूसरी बात समझो, अगर ये x की पावर दो है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब इसके रूट कितने हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। तो भाई मैंने कहा माइनस दो का स्क्वेयर करूंगा तो भी चार आएगा, प्लस दो का स्क्वेयर करूंगा तो भी चार आएगा, इसका मतलब इसका आंसर दोनों है, माइनस दो और प्लस दो भी है। तो यही बात मैंने आपसे यहाँ बोली है, रूट से पहले यहाँ पे क्या था स्क्वेयर, इसका मतलब अगर ये वेरिएबल है तो इसके दो मान आएंगे भाई, पावर कितनी है दो, तो कितने मान आएंगे दो, पावर तीन तो मान कितने तीन, पावर एक है तो मान एक। तो भाई इसका जब आप निकालोगे ना तो इसका मतलब यहाँ से दो आंसर बन जाएंगे हमारे, प्लस और माइनस। अब देखो ये तो बात समझाने के लिए, दूसरा लॉजिक मैं आपको ये बता देता हूँ, दूसरा लॉजिक क्या है, दूसरा लॉजिक आप समझिए यहाँ पे कि भाई के का मान ये आ गया। दूसरा लॉजिक ये है कि भाई साइन थीटा का मान या साइन अल्फा का मान एक से बड़ा नहीं हो सकता, अगर साइन थीटा का मान एक से बड़ा नहीं हो सकता तो या तो एक हो सकता है, एक होगा तो जीरो बना देगा, लेकिन ये कभी एक से बड़ा नहीं होगा, अगर ये एक से बड़ा नहीं होगा ना, अगर ये एक से छोटा रहेगा तो ये मान पॉजिटिव आ जाएगा भाई, ये भी पॉजिटिव होगा, ये मान एक से बड़ा नहीं हो सकता, एक से छोटा एक के बराबर है तो ये भी मान जीरो या पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। आपने कहा तीनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव क्यों नहीं लगाया, आप बात समझिए, अगर मान लीजिए क्वाड्रेंट चेंज हो जाए, क्वाड्रेंट भी तो चेंज हो सकता है, साइन नेगेटिव भी तो हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता है, आप मुझे बताओ अगर क्वाड्रेंट चेंज हो जाता मान लीजिए इनमें से कोई भी, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए, तो आप मुझे बात बताओ कि थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव बना देगा, अगर ये नेगेटिव मान आ जाता तो नेगेटिव के साथ हम नेगेटिव मल्टीप्लाई करके फिर से क्या जाता पॉजिटिव आ जाता, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज छोटी ही क्लास लेंगे, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर टुडे।